प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। आज पता चला कि पद कितने कठिन होते हैं। बहुत देर से बैठा हूं, बोलते थे ना एक सुकुमाल मुनि राई का दाना चुभता था, मुझे भी ऐसी कुछ चुभ रहा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आया था बूंद बनने सागर बना दिया, आया था बूंद बनने सागर बना दिया, आया था फूल बनने उपवन खिला दिया, और आया था मिलने आपसे उससे मिला दिया। अभी महाराज गुरुदेव कह रहे थे कि मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। किसी को नीचे से उठा के लकड़ी के पट्टे पे बिठाने से कोई गुरु जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता है। किस जिम्मेदारी से मुक्त होंगे गुरुदेव? कौन सी जिम्मेदारी छूट जाएगी? हम तो वो लोग हैं, इस जन्म नहीं, सौ जन्म नहीं, मोक्ष तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमने तो कसमें खाई कि जब तक मुक्ति ना मिले तब तक आपके चरण हमारे हृदय में निवास करते रहें। और मैं तो आज ये कहता हूं कि आपके बिना मुक्ति मिले तो ऐसी मुक्ति भी हमें नहीं चाहिए। कुछ दिन और जी लेंगे, मोक्ष जब जाएंगे तो आपके साथ ही मोक्ष जाएंगे। किस जिम्मेदारी से मुक्त होंगे? ऊपर बिठाने से जिम्मेदारियां मुक्त नहीं होती हैं। हम आज जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेदार आप हैं, और आप जिम्मेदार नहीं होते तो हम भी नीचे बैठकर तालियां बजा रहे होते हैं। आप ही जिम्मेदार हैं। अब कैसे जिम्मेदारी से मुक्त होंगे आप? जीवन में नहीं होंगे। कौन हो सकता है अपने शिष्यों की जिम्मेदारी से मुक्त? जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम दिखते हैं, टीले पर गाय दूध गिराती है तो चांदनपुर वाले बाबा प्रकट होते हैं, और जब भी हमारी धड़कनों में, हमारे सीने में कोई देखेगा तो हमारी एक एक धड़कन आचार्य पुष्प दंत के नाम से धड़क रही होगी। कैसे जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे? कोई नहीं हो सकता। आपने शुरुआत में ही हमारे साथ ऐसा कर दिया कि अब मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। अभी प्रमुख सागर जी ने कहा, मैं बहुत सारे शिष्य आपके चरणों में लाके रखना चाहता हूं। ये रख सकते हैं, इनकी बारात पीछे बैठी है, बहुत सारी है। मैं नहीं रख सकता हूं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि महाराज हम कितने भी शिष्य बन जाएं और कितने भी बना लें, हम कितनी भी भीड़ लगा लें, जैसे आपने बनाए वैसे हम एक भी नहीं बना सकते हैं। पूरी जिंदगी भी लगा दें, आचार्य पद नहीं किसी भी पद में जाकर बैठ जाएं, हम एक भी शिष्य नहीं बना सकते। मैं इतना जरूर कहूंगा कि गुरुदेव आप जानते हैं कि मेरे से इन बाबा जैसी साधना नहीं होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि प्रसन्न सागर जी और मेरी इतनी आत्मीयता है कि यदि ये साल भर उपास करते तो 6 महीने का फल मुझे मिलेगा। करो तब, फल तो हम लेंगे, नहीं तो भाई किस काम के। अरे एक भाई अभी वनवास चला जाता है भरत के लिए, आप कैसे मुख से जाएंगे मुझे छोड़ करके? तपस्या आप करो, फल हम खाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि आम हम लगाते हैं, खाता कोई और है। तो इन ये जब तक हैं मुझे कोई चिंता नहीं, और मैं बिल्कुल उपास नहीं करूंगा, आज भी नहीं करूंगा। मैं गुरुदेव से ये कह रहा हूं कि चलो बुंदेलखंड में अंतों का समय हो गया। लेकिन इतना जरूर है कि जो विश्वास, ये मत सोचना कि गुरुदेव ने हमें इस लकड़ी की चौकी पर बिठा दिया, सिंहासन पर, ये चंदन की चौकी नहीं, ये लकड़ी की चौकी नहीं, ये चारित्र की चौकी है जो गुरु नीचे से उठाकर ऊपर बिठाया करता है।
और इस चारित्र की चौकी का मैं ऐसा ही सम्मान करूंगा जीवन के अंतिम समय तक। मैं ये नहीं कहूंगा कि महाराज मुझे ऐसा शक्ति दो कि मैं पालन करूं, मैं ये नहीं कहूंगा। यदि आपने मुझे कॉन्फिडेंस से बुलाया है तो मैं भी फुल कॉन्फिडेंस से कहूंगा कि चारित्र की चौकी की पूजा ऐसे करूंगा जैसे भरत ने राम के चरण पादुकाओं की पूजन की है। जीवन भर मैं नहीं कहूंगा कि मेरे चरित्र में दोष नहीं लगे, लगेगा। क्यों लगा नहीं था तो यहां आय काय के लिए थे, कोई दोष मोष नहीं लगेगा। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि मैं अपने गुरु का परचम जीवन के अंतिम सांस तक आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की साधना करता रहूं। मैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से, मुझे विश्वास है, अरे जब 25 साल हमने दोष नहीं लगाए तो बोला अब क्या लगाएंगे, अब तो उम्र ही ढल गई, अब दोष लगाने का समय ही खत्म हो गया, अब तो हम तो निर्दोष ही निर्दोष हैं। और जिनकी आंखों में हमें दोष दिख रहे हैं उनकी आंखों को इलाज करना पड़ेगा, उनको नेत्रदान शीघ्र कर देना चाहिए। जो मुनियों में देश दिखाई देते हैं उनको जीते जी नेत्रदान कर देना चाहिए। हम क्यों दोष लगाएंगे, ये महावीर का मार्ग, ये ऋषभ देव का मार्ग, आचार्य पुष्प दंत और भूतवली का मार्ग, ये घर परिवार छोड़ के कोई हमारे माँ बाप ने हमें धक्के मार के घर से नहीं निकाला था, कोई हमारा गुरु हमें हाथ पकड़ के घसीट करके नहीं लाया था, हमें किसी ने मजबूर नहीं किया था संन्यास के लिए, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी संन्यास के लिए, कोई समाज ने पकड़ के हमारे कपड़े नहीं उतारे हैं। ये डिसीजन हमारा है और हमने ही लिया है, और जब सेल्फ डिसीजन है तो उसकी पवित्रता बनाए रखना भी हमारा ही काम हुआ करता है, किसी और की जरूरत हम पालेंगे। हमें आचार्य ने ढाला है, 25 साल की साधना हो रही है, हजारों प्रलोभन आए हमारे लिए, इतने सुंदर बच्चों को कौन नहीं लेना चाहता है। जब हमारे गुरुदेव सुंदर कह रहे तो मैं बदसूरत क्यों मानूं, मैं तो खूबसूरत हूं। हर की जुबान पे आता है कि बच्चे हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ध्यान रखना, ऐसे सिक्के नहीं ढले हम कि चारित्र के धन को छले, ऐसा हमें हमारे गुरुदेव ने नहीं ढाला है। और हजारों प्रलोभन भी आ जाएं, हम बिकने वाले नहीं, हम पुष्प दंत के चरणों में पलने वाले लोग हैं। हम कैसे दे, तो आचार्य पद तो छोड़ो, आचार्य पुष्प दंत सागर जी गुरुदेव के अलावा कोई अरहंत पद भी दे तो हम ठुकराने को तैयार हुआ करते हैं। लेंगे तो इन्हीं से लेंगे, जो सर रख दिया तो रख दिया, अब उठाना हमें नहीं आया करता है, जीवन अर्पित कर दिया। आचार्य श्री ने कहा मैं अपने बच्चों को आकाश में उड़ता हुआ देखना चाहता हूं, वो उनका वात्सल्य है, वो उनकी करुणा है, हम आकाश में पतंग की तरह उड़ना नहीं चाहते हैं, वो गुरुदेव की मर्जी है वो आकाश में उड़ाएं या लेकर मोक्ष में उड़ाएं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम आकाश में उड़ने वाली पतंग नहीं है, हम तो वो झरना बनना चाहते हैं जो पर्वत से गिरकर अपने गुरु का चरण प्रक्षालन करें और गंडोदक बन करके अपने जीवन को धन्यता प्रदान करें। यही मैं कह रहा हूं, आज ये विश्वास की चौकी, गुरु ने मुझे चारित्र की चौकी पर बिठाया है और समाज ने मुझे आस्था और विश्वास की चौकी पर बिठाया है। मरते दम तक महावीर के वंश में दीक्षा लेने वाला मैं इस चारित्र के धन को छलने का मन वचन काय से प्रयास नहीं करूंगा, ऐसा मैं जीवन की साधना। और मैं तुम्हें कोई विश्वास नहीं दिला रहा हूं, तुम्हें दिलाने से मतलब भी क्या है, तुम पे विश्वास करने से कोई फायदा भी नहीं है, तुम आज यहां हो कल वहां चले जाओगे, तुम्हें क्या मत, तुम तो जिसके मंच पे जाओ उसी के गीत गाने लगते हो। तुम्हारी तो स्थिति है कि रामलाल की शादी में जाते हो और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजे तो वहां नाचने लगते हो, तुम्हें विश्वास दिलाने की जरूरत क्या है, विश्वास तो मुझे अपने आप को दिलाने की जरूरत है, और विश्वास मुझे महावीर को दिलाने की जरूरत है, और विश्वास मुझे मेरे गुरुदेव को दिलाने की जरूरत है, और तपस्या का नो टेंशन, प्रसन्न सागर अपने साथ है। अनंत अनंत प्रणाम करता हूं, गुरु के उपकारों के ऋण को किसी भी जन्म में नहीं चुका पाऊंगा, इन्हीं भावनाओं के साथ जय।